नमस्कार, आज के नागपुर हलचल में मैं ऐश्वर्या शिंदे आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। नागपुर शहर में एक नई संगठन की भव्य शुरुआत होने जा रही है। इसमें प्रमुख डायरेक्टर अपने अपने फील्ड में सालों से महाराष्ट्र में सेवाएं दे रहे हैं। ये संगठन का नाम 24 स्टार प्राइड क्लब रखा गया है, जिसका रजिस्ट्रेशन एक चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत 24 SPC चैरिटेबल फाउंडेशन में किया गया है। संपूर्ण भारत का ये पहला क्लब है, जिस क्लब के अंतर्गत हर उम्र का व्यक्ति केवल 200 रुपए देकर मेंबरशिप ले सकता है। इसमें युवा वर्ग, महिला, पुरुष, वरिष्ठ नागरिक भी सदस्य बन सकते हैं। यह एक ऐसा क्लब है जिसमें सदस्य बनने पर एक साथ 24 जगह पर 50% तक डिस्काउंट मिलेगा। इस क्लब में हर वर्ग के लोगों को सम्मिलित किया गया है। हेल्थ, स्किन, पैथोलॉजी, क्लिनिक, ग्लॉसरी, बैंक, फर्नीचर, ड्रेस, साड़ी, मेंस वेयर, फर्टिलाइजेशन, इंटीरियर वास्तुशास्त्र, आर्किटेक्ट, ड्राई फ्रूट, सॉफ्ट ड्रिंक, हेल्थ एंड ब्यूटी, ऑक्सीजन थेरेपी, लैंड एंड डेवलपर्स, न्यूज़पेपर, मीडिया, 7-स्टार हॉस्पिटल्स, टाइल्स एंड सैनिटरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, ऑटोमोटर पार्ट्स आदि सेवाओं में क्लब के सदस्यों को नागपुर के सभी बड़े व्यापारियों एवं सर्विस प्रोवाइडर द्वारा पूरे साल भर डिस्काउंट दिया जाएगा। साथ ही रोकड़े ज्वेलर्स एवं डॉक्टर रिचार्ज यूनिक क्लिनिक द्वारा 500 रुपए के अनुसार कुल मिलाकर 1 रुपए का गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। नागपुर चेंबर्स ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष CA कैलाश जोगानी को वित्त मंत्रालय द्वारा रीजनल डायरेक्टर टैक्स एडवाइजरी कमेटी में मनोनीत किया गया है। इस कमेटी का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा। बोर्ड ने जोगानी का चयन ट्रेड एवं कॉमर्स सेक्टर से किया है। जोगानी ने CBDT नागपुर कमिश्नरेट एवं नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया है। उन्होंने विदर्भ क्षेत्र के आयकर दाताओं की हर समस्या विभाग के समक्ष रख सुलझाने का आश्वासन भी दिया। नागपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स के सचिव तरुण निर्माण, उपाध्यक्ष प्रदीप जाजू, गोविंद पसारी, कोषाध्यक्ष वेणुगोपाल अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष संतोष कुमार अग्रवाल, महेंद्र कटारिया, कमलेश शाह, भागीरथ मुरारका, विष्णु कुमार पचेरीवाला तथा समस्त कार्यकारिणी सदस्यों ने जोगानी को बधाई दी है। तुलसीनगर स्थित श्री शांतिनाथ जैन मंदिर की ओर से आयोजित सिद्ध चक्र व विश्व शांति महायज्ञ पर्व के तृतीय दिवस पर जारी कार्यक्रम के विशेष अवसर पर बोलते हुए परम पूज्य निर्यापक मुनि योग सागर जी व मुनि संघ के विशेष जानकारी देते हुए बताया कि 8 दिन मनाया जाने वाला ये पर्व जैन धर्म में विशेष स्थान रखता है। 8 दिन का ये उत्सव साल में 3 बार मनाया जाता है। इस अवधि में जैन मत को मानने वाले रोज मंदिर में विशेष पूजा, सिद्ध चक्र मंडल विधान, नंदीश्वर दीप विधान पूजा सहित कई प्रकार के अनुष्ठान करते हैं। अष्टमी से पूर्णिमा तक मनाया जाने वाला ये पर्व आत्मशुद्धि एवं कर्मों की निर्जरा के लिए किया जाता है। इस पावन पर्व पर जैन धर्म का पालन करने वाले ध्यान और आत्मशुद्धि के लिए कठिन तप व व्रत आदि कर बुरे विचारों से अपने आप को मुक्त करने का प्रयास करते हैं। मुनि संघ ने आगे कहा कि ऐसा भी माना गया है कि इस दौरान नियम धर्म का पालन करने से जीवन की बड़ी से बड़ी आपदा भी चुटकियों में समाप्त हो जाती है। अनेक असाध्य बीमारियों का निदान भी श्रद्धा पूर्वक व्रत करने से हो जाता है। मेट्रो ट्रेन में यात्रा करने वाले यात्रियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से महामेट्रो की ओर से सीताबर्डी इंटरचेंज स्टेशन पर लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया। इसके लिए 2 श्रेणियां रखी गई थी। मेट्रो यात्री और कर्मचारियों के लिए रखे गए इस ड्रॉ के बॉक्स में रविवार को मेट्रो कर्मी और यात्रीगण टिकट पर नाम और मोबाइल क्रमांक लिख कर ड्रॉ में शामिल हुए। सोमवार को सुबह महामेट्रो के महाप्रबंधक सुधाकर उराड़े की प्रमुख उपस्थिति में यात्रियों के हाथों लकी ड्रॉ निकाला गया। 5 मेट्रो यात्री विजेताओं में जितेंद्र सांबारे, आयुष, शिल्पा काटोले, अमित श्रीवास, एस खोड़े तथा मेट्रो कर्मचारी विजेताओं में लक्ष्मी, मानव पौनिकर, अमोल सौदरकर, सरवीन कलम तथा शादाब शेख का समावेश था। विजेताओं को पुरस्कार स्वरूप महामेट्रो के महाकार्ड प्रदान किए जाएंगे। उप महाप्रबंधक SG राव एवं उप महाप्रबंधक अखिलेश हलवे लकी ड्रॉ के दौरान उपस्थित थे। जिस प्रकार से प्रवर्तन निदेशालय ने अभी चीनी कंपनी वीवो के परिसरों में बड़े पैमाने पर छापा मारकर वंचना के मामले और बड़ी मात्रा में धनराशि को देश से बाहर भेजने के मामले को पकड़ा है, उससे देश में काम कर रही विदेशी कंपनियों के कामकाज करने के तौर तरीके पर सवाल उठ रहे हैं। इन सवालों को लेकर कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आग्रह किया कि वित्त मंत्रालय में एक विशेष ऑडिट सतर्कता ब्रांच का गठन किया जाए, जिसमें हर 3 महीने में विदेशी कंपनियां अपने कामकाज एवं आय व्यय विवरण का पूरा लेखा जोखा इस ब्रांच को दे, जिसके हर 3 महीने में इन कंपनियों के कार्यों और वित्तीय स्थिति की जाँच की जा सके।
इससे सरकार ऐसे सभी विदेशी कंपनियों की व्यापारिक प्रणाली पर कड़ी निगाह रख सकेगी और ये कंपनियां किसी भी तरह से भारत के नियम एवं कानूनों को धोखा नहीं दे सकेगी। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया एवं राष्ट्रीय महामंत्री प्रवीण खंडेलवाल ने एक संयुक्त वक्तव्य में कहा कि वीवो कंपनी द्वारा किया गया कर घोटाला इन विदेशी कंपनियों के नापाक इरादों पर प्रकाश डालता है और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई सराहनीय एवं उचित कदम है। बजाज कंज्यूमर केयर लिमिटेड ने हाल ही में बजाज आमंड ड्रॉप्स मॉइस्चराइजिंग साबुन के लॉन्च की घोषणा की, जो स्किन केयर सेगमेंट में साबुन की उनकी नवीनतम पेशकश है। बादाम के तेल और विटामिन ई के लाभों के साथ ये साबुन त्वचा को उत्तम नमी देती है, जिससे त्वचा नरम, स्मूथ और चमकदार रहती है। पूरी सजगता के साथ किए गए वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार का ये परिणाम है और बजाज आमंड ड्रॉप्स मॉइस्चराइजिंग साबुन त्वचा को बेहतर मॉइस्चराइजेशन देती है। आनंददायक सुगंध, धोने में आसानी और प्रतिस्पर्धी कीमत जैसे अतिरिक्त लाभों के साथ ये साबुन ग्राहकों को अनूठी किफायत देती है। यह उत्पाद कंपनी के बजाज आमंड ड्रॉप्स हेयर ऑयल की पेशकश का लाभ उठाता है, जिसने दशकों से 13,500 करोड़ रुपए के हेयर ऑयल इंडस्ट्री में मजबूत स्थिति बनाई है और विशेष रूप से बेहतर ब्रांड इक्विटी पाई है। साबुन लॉन्च करते हुए बजाज कंज्यूमर केयर के प्रबंध निदेशक जयदीप नंदी ने कहा कि हम बाजार में ऐसी मॉइस्चराइजिंग साबुन लाकर बेहद खुश है, जिसकी मांग ग्राहक हमसे लंबे समय से कर रहे थे। बजाज आमंड ड्रॉप सालों से भारतीयों द्वारा पसंद किए जाने वाला उत्पाद रहा है, जिसमें मौजूद बादाम तेल और विटामिन ई न केवल बालों के लिए बल्कि त्वचा को भी लाभ पहुँचाने के लिए प्रसिद्ध है। पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने आरोप लगाया है कि तत्कालीन मविया सरकार के समय सभी नेताओं ने स्थानीय अधिकारियों पर दबाव डालकर मनपा, नगर पंचायत, जिला परिषद, नगर परिषद में नियमबाह्य वार्ड और प्रभाग रचना करवाई। हजारों आक्षेप व सुझावों को ताक पर रखकर खुद के उम्मीदवार कैसे चुनकर आए, ऐसी प्रभाग रचना की गई है। उन्होंने चुनाव आयोग से निवेदन किया कि त्रुटिपूर्ण प्रभाग रचना की समीक्षा कर दोबारा प्रभाग रचना की जाए और उसके बाद ही चुनाव करवाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रभाग रचना में सुधार के बिना चुनाव नहीं कराया जाए, आपत्ति सुझाव पर विचार कर गट की रचना हो। अगर महाविकास आघाड़ी सरकार द्वारा तय किए गए प्रभाग व वार्ड आधार पर चुनाव हुए तो इससे चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन होगा। बावनकुले ने कहा कि महापालिका, नगर पालिका, नगर पंचायत व जिला परिषद के सर्कल वार्ड रचना आयोग रद्द करे। जिला परिषद सर्कल व वार्ड रचना में गलत गांवों का समावेश किया गया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वक्तव्य करने वाले कांग्रेस नेता शेख हुसैन पर कार्रवाई की एक बार फिर से मांग की है। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की जर्जर हालत का हवाला देते हुए कमरे खाली करने उमरेड नगर परिषद के सीओ द्वारा जारी किए गए नोटिस को चुनौती देते हुए सुधाकर माने की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश अतुल चांदुरकर और न्यायाधीश उर्मिला जोशी के कार्यकर्ता को राहत देने से इनकार कर दिया। याचिकाकर्ता के अनुसार 16 नवंबर 2019 को दिए गए नोटिस का हवाला देकर हाल ही में मई 2022 को पुनः नगर परिषद की ओर से नोटिस दिया गया, जिसमें कमरों की दुरावस्था बताते हुए तुरंत प्रभाव से खाली करने के निर्देश दुकानदारों को दिए गए थे। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिकारी अनिल धवस और नगर परिषद की ओर से अधिकारी महेश धात्रक ने पैरवी की। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे वकील ने कहा कि नगर परिषद की ओर से 30 जून 2017 और 5 फरवरी 2021 को प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके अनुसार शॉपिंग सेंटर के इन 28 दुकानदारों को स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया था। प्रस्ताव के अनुसार नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण होने तक इन दुकानदारों को वैकल्पिक जगह देना नगर परिषद के लिए बंधनकारक है। गुरुवार को शहर में मूसलाधार बारिश के दौरान पानी निकासी व्यवस्था की पोल खुल गई थी। कई सड़कें लबालब हो गई तो लगभग सभी आरयूबी में पानी भर गया। बारिश थमने के 24 घंटों बाद भी कई जगहों में पानी जमा रहा, जिससे वाहन चालक परेशान होते रहे। छत्रपति चौक से शताब्दी चौक की दिशा में जाने वाले इनर रिंग रोड में नरेंद्र नगर आरयूबी पुलिया में गुरुवार को कमर तक पानी भर गया था। दूसरे दिन भी लगभग 1 फुट पानी जमा रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी होती रही। लोहा पुल के नीचे भी पानी भरा रहा और वाहनों की आवाजाही से यह गंदा पानी उछलकर दोपहिया वाहन चालकों के कपड़े खराब करता रहा। सिटी में कुछ सड़कों में भी पानी पूरी तरह नहीं निकल पाया। रेलवे स्टेशन पूर्वी द्वारा के सामने रोड पर पानी भरा हुआ है। स्टेशन से निकलने वाले वाहनों को पानी भरी सड़कें से गुजरना पड़ रहा है। वहीं पोद्दारेश्वर राम मंदिर से स्टेशन की ओर आने वाले रोड पर भी आधे से पौन फुट पानी भरा हुआ है। यहां से गुजरने वाले वाहक चालक भी परेशान होते रहे। शहर में कुछ बस्तियों में गलियों में भी जल जमाव देखा गया। नागपुर महानगर पालिका क्षेत्र के टीकाकरण केंद्रों पर प्रतिदिन टीकाकरण किया जा रहा है।
इसीलिए मनपा के सभी टीकाकरण केंद्रों पर आज केवल कोवैक्सीन का टीका उपलब्ध होगा। टीका दोपहर 2 बजे तक दिया जाएगा। टीकाकरण के लिए पंजीकरण ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों पद्धतियों से किया जा सकता है। साथ ही निगम के स्वास्थ्य विभाग की ओर से टीकाकरण के लिए जाते समय एक पंजीकृत मोबाइल फोन और पहचान पत्र साथ में रखने की अपील की गई है। रेलवे प्रशासन द्वारा यात्रियों की बेहतर यात्रा सुविधा व ज्यादा से ज्यादा यात्रियों को बर्थ उपलब्ध कराने हेतु दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली गाड़ी नंबर 120701206 गोंदिया रायगढ़ गोंदिया में एक अतिरिक्त सेकंड क्लास चेयर कार कोच की सुविधा स्थायी रूप से उपलब्ध कराई जा रही है। गाड़ी नंबर 120701 गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी में गोंदिया से आज से तथा गाड़ी नंबर 120609 रायगढ़ गोंदिया जनशताब्दी में उक्त कोच रायगढ़ से कल से स्थायी रूप से जोड़ा जा रहा है। आभूषणों की निर्मिति शुद्धता और विश्वास की विरासत 3 पीढ़ियों से जारी रखते हुए नागपुर का कहना रोकड़े ज्वेलर्स ने आज नागपुर के साथ ही पूरे विदर्भ में अपनी अलग पहचान बनाई है, एक अलग छाप छोड़ी है। रोकड़े ज्वेलर्स की 4थी पीढ़ी ने आज ज्वेलरी व्यवसाय में आसमान की ऊंचाई छू लेने की छलांग लगाई है। मार्तन राव रोकड़े से शुरुआत हुई विश्वास के आभूषणों की ये परंपरा राम भाऊ भैयाजी और अब राजेश और सारंग रोकड़े ने जारी रखी है। इतवारी के छोटे से ज्वेलरी शॉप से शुरू हुआ ये सफर बड़कस चौक एयरपोर्ट और लक्ष्मीनगर तक आ पहुंचा है। एयरपोर्ट पर ज्वेलरी शोरूम शुरू करने वाला नागपुर का एकमात्र नाम भी रोकड़े ज्वेलर्स है। आभूषणों की शुद्धता विश्वसनीयता यही रोकड़े ज्वेलर्स की सफलता की कुंजी है। इसी के कारण आज नागपुर में रोकड़े ज्वेलर्स के विस्तार के साथ ही ग्राहकों का विश्वास भी बढ़ रहा है। ज्वेलरी व्यवसाय में धोखाधड़ी के कई मामले आगे आते हैं, ऐसे में ग्राहकों को आभूषणों की शुद्धता एवं उसके मानकों की जानकारी होना आवश्यक मानते हुए रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से आभूषणों के बारे में जागरूकता लाने हेतु सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। राकंप प्रमुख सांसद शरद पवार की संकल्पना से एनसीपी के विचारों को हर जन तक पहुंचाने के लिए महाराष्ट्र प्रदेश राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के महासचिव अतुल वांदिले द्वारा हिंगनघाट शहर से जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की गई। इस समय उन्होंने हिंगनघाट शहर के वार्ड नंबर 19 शास्त्री वार्ड में कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन किया और श्रमिकों की कई समस्याओं को समझा। उन्होंने वार्ड के प्रमुख सदस्यों और कार्यकर्ताओं का भी मार्गदर्शन किया। इस दौरान वार्ड में स्थानीय नागरिकों की समस्याओं के बारे में भी जाना। उन्होंने आगामी नगर परिषद चुनावों की योजना बनाने का भी निर्देश दिया, जिसमें एनसीपी पार्षदों को केवल चुनकर आने के लिए नहीं अपितु वार्ड में स्थानीय नागरिकों की समस्याओं को कैसे हल किया जाए इस पर जोर देने की बात कही। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं की समस्या भी उन्होंने सुनी। इस बैठक में वर्धा उपभोक्ता सोसाइटी के डायरेक्टर पद पर राजू खान की नियुक्ति होने पर अतुल वांदिले ने शॉल नारियल और सम्मान चिन्ह देकर उनका सत्कार किया। इस अवसर पर पार्टी के जिला महासचिव दशरथ ठाकरे अमोल बोरकर नाजिर भाई जावेद मिर्जा सुनील भुते नितेश नवरखेड़े अजय पर्वत किशोर चांभारे गोमाजी मोरे सहित वार्ड के सभी नागरिक गण मौजूद थे। साई चांदूराम साहिब मुक्तिधाम में पल्लव की रात पर पहुंचे पूर्व स्थायी समिति अध्यक्ष वीरेंद्र कुकरेजा ने संतों का नमन किया। अमरावती के संत साई राजेश लाल ने पल्लव पहनकर सभी को आशीर्वाद दिया। वीरेंद्र कुकरेजा ने अपने संबोधन में मंदिर के सभी श्रद्धालुओं से कहा, सखी सरताज साई चांदूराम साहिब जी का अगले वर्ष 200वां जन्मोत्सव कार्यक्रम डबल सेंचुरी जोर शोर से मनाएंगे। मंजुश्री असुदानी ने साई चांदूराम के गीतों पर समा बांधा। वीरेंद्र कुकरेजा सहित सभी मंदिर के सदस्य व श्रद्धालु साई चांदूराम साहब के गीतों पर झूम उठे। उसके बाद साई चांदूराम साहब जी के जन्मोत्सव का केक काटा गया। इस जन्मोत्सव कार्यक्रम में पूर्व मंगलवारी जोन सभापति प्रमिला मथरानी व राखी कुकरेजा वार्ड अध्यक्ष उषा दानी मनीष दासवानी जगदीश वंजानी पूजा मोरियानी समर्थ मोटा राम चेलवानी विरभान तुलसवानी भाई साहब पीडी केवल रामानी दादा श्यामनदास तुलसवानी महेश चावला तुलसी सेतिया अन्य श्रद्धालुगण उपस्थित थे। दीपक सूचक मित्र परिवार की ओर से पहली कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा के जरूरतमंद विद्यार्थियों को रजिस्टर पेन स्कूल बैग टिफिन बॉक्स का वितरण सूचक निवास गरोबा मैदान कापसे चौक में किया गया। इस अवसर पर सूचक ने कहा कि आज के समय बच्चों को शिक्षा प्रदान करना बहुत ही महंगा हो गया है। आज हमें बच्चों को अगर पढ़ाना है तो बहुत कठिन परिस्थितियों में बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। महंगाई अपनी चरम सीमा पर है, ऐसे वक्त में हमें जरूरतमंद विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए मदद करना चाहिए। ये कार्य हमारी ओर से हर साल किया जाता है, जिसमें 400 से 500 विद्यार्थियों को इस तरह की मदद दीपक सूचक मित्र परिवार के द्वारा की जाती है। सूचक ने कहा कि शिक्षण ही हमको आगे बढ़ाएगा और विद्या का ज्ञान ये न हमसे कोई चुरा सकता है न ले सकता है, ये हमारे साथ ही रहेगा।
इसलिए कार्यक्रम के आयोजकों ने सभी विद्यार्थियों को निवेदन किया कि वे पढ़ाई करके अच्छी शिक्षा प्राप्त करके उच्च स्तरीय अधिकारी बनने का सौभाग्य प्राप्त करने हेतु प्रयास करें। इस अवसर पर मनीष सूचक, उदय सूचक, जीतू बाबू साहू और अन्य कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विद्यार्थियों को शुभकामनाएं दी गयी। प्लास्टिक के अंधाधुंध उपयोग से पर्यावरण पर बढ़ते खतरे के मद्देनजर प्लास्टिक मुक्ति अभियान में सेवाभावी संस्था कला मंच द्वारा विशेष अभियान शुरू किया गया है। प्लास्टिक हटाओ पर्यावरण बचाओ अभियान के अंतर्गत जन जागरण के कार्यक्रमों की योजना अमल में लाई जा रही है। अभियान में पुलक मंच परिवार के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मनोज बंड से विशेष सहयोग मिल रहा है। पुलक मंच के सहयोग से कपड़े की थैलियों का वितरण भी किया जा रहा है। महानगर पालिका आयुक्त राधाकृष्णन बी ने कला मंच के संयोजक नरेंद्र सतीजा को सांकेतिक रूप से कपड़े की थैलियों का बंडल प्रदान कर अभियान का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की सदस्य आभा पांडे, समाज सेवी मनीषा मेहता, भूपेंद्र शाह, शरद मचाले, कला मंच के संरक्षक अनिल मालोकर आदि की प्रमुख उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन मनोज बंड ने किया। अभियान में सक्करदरा व्यापारी संघ, सेवा सर्वदा संस्था, आसमान फाउंडेशन आदि का भी सहभाग रहेगा। नागपुर जिले में कोरोना की तीव्रता का इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि शुक्रवार को कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा सेंचुरी पार हो गया है। अभी तक रोजाना 100 के आसपास मरीज मिल रहे हैं, किंतु शुक्रवार को ये आंकड़ा 100 के पार होकर 138 पर थमा है। शुक्रवार को 2236 सैंपलों की जांच में 138 नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें शहर के 109 मरीज तथा नागपुर जिले के ग्रामीण अंचल के 29 मरीजों का समावेश है। इन्हें मिलाकर जिले में अब कोरोना के 718 एक्टिव केसेस हो गए हैं। इसी प्रकार जिले में पिछले 24 घंटों में 63 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिनमें 44 शहरी, 19 ग्रामीण अंचल के मरीजों का समावेश है। जिले के मौजूद 718 एक्टिव केसेस में नागपुर शहर के 508 केसेस व ग्रामीण अंचलों के 210 मामलों का समावेश है, जबकि नागपुर जिले के बाहर का कोई एक्टिव केस शहर में नहीं है। इसी प्रकार अभी तक जिले में 5,69,000 मरीजों ने कोरोना से जंग जीती है और स्वस्थ होकर घर पहुंचे हैं। इनमें नागपुर शहर के 3,95,000 मरीज, ग्रामीण अंचलों के 1,66,000 मरीज तथा नागपुर जिले के बाहर के 8,500 मरीजों का समावेश है। नागपुर जिले में अभी तक 5,80,000 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें शहर के 4,01,000 पॉजिटिव मरीज, नागपुर ग्रामीण के 1,69,000 पॉजिटिव मरीज तथा नागपुर जिले के बाहर के 10,000 पॉजिटिव मरीजों का समावेश है। अनिल कुमार लाहोटी, महाप्रबंधक मध्य रेल ने शुक्रवार को मध्य रेलवे ऑडिटोरियम छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई में 123वीं क्षेत्रीय रेल उपयोगकर्ता सलाहकार समिति की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सांसद डॉक्टर जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी और विधान परिषद की सदस्य उमा खापरे सहित कुल 45 ZRUCC सदस्य उपस्थित थे। बैठक को संबोधित करते हुए अनिल कुमार लाहोटी ने कहा कि ZRUCC सदस्यों के सुझावों का एक महत्वपूर्ण स्थान है, यात्रियों को अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद करता है। लाहोटी ने आगे कहा कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में मध्य रेल ने गैर किराया राजस्व और टिकट जांच राजस्व के मामले में सभी क्षेत्रीय रेलवे में नंबर एक होने का गौरव हासिल किया है। उन्होंने कहा कि मध्य रेल ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में 76.55 मिलियन टन का रिकॉर्ड माल लदान भी दर्ज किया है, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 23% अधिक है। साथ ही पार्सल परिवहन में 107% की वृद्धि हुई है। लाहोटी ने यह भी कहा कि बेहतर यात्री सुविधाएं जैसे लिफ्ट, एक्सेलेटर, FOB आदि की व्यवस्था, बेहतर सुरक्षा जैसे CCTV कैमरे लगाना, रेल लाइनों का दोहरीकरण, नई रेल लाइन बिछाना और स्टेशनों के पुनर्विकास सहित अन्य बुनियादी ढांचागत कार्य उपलब्ध कराने पर काम किया जा रहा है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी नागपुर, अकोला और बुलडाना जिलों के अपने 2 दिवसीय दौरे के समापन के बाद शुक्रवार सुबह 7 बजे मुंबई के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर संभागायुक्त माधवी खोड़े चौरे, पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार, कलेक्टर आर विमला, मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी, नागपुर सुधार प्रन्यास के अध्यक्ष मनोज सूर्यवंशी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक डॉक्टर छेरिंग दोरजे, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त अश्वती दोरजे और पुलिस अधीक्षक विजय मगर ने उन्हें विदा किया। उल्लेखनीय है कि राज्यपाल कोश्यारी अकोला में डॉक्टर पंजाबराव देशमुख कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने आए थे। यात्रा के दौरान उन्होंने शेगांव में गजानन महाराज मंदिर का दौरा किया। भारतीय सेना ने विभिन्न पदों के लिए अग्निवीरों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। विदर्भ के 10 जिलों में पुरुष उम्मीदवारों को 5 जुलाई से 3 अगस्त के बीच पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया गया है। पंजीकरण उपरांत चयन प्रक्रिया के लिए सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने शुक्रवार को जिला कलेक्टर आर विमला से चर्चा की। उन्होंने आश्वासन दिया कि जिला प्रशासन आवश्यक सहायता प्रदान करेगा। विदर्भ के 10 जिलों में सेना में कुछ पदों की भर्ती शुरू की गई है।
इनमें नागपुर, वर्धा, वाशिम, अमरावती, भंडारा, गोंदिया, गढ़चिरौली, चंद्रपुर, अकोला और यवतमाल का समावेश है। 10वीं और 8वीं पास क्वालिफाइंग पदों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 5 जुलाई से 3 अगस्त तक जारी रहेगा। युवाओं से इस प्रक्रिया का लाभ उठाने का आग्रह किया गया है। स्वीकार्य उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र उनके ईमेल आईडी पर 10 से 20 अगस्त के बीच प्राप्त होगा। कलेक्ट्रेट में आवश्यक भर्ती प्रक्रिया पर चर्चा हुई। प्रवेश पत्र ईमेल द्वारा भेजे जाने के बाद भारतीय रैली 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक आयोजित होने वाली है। इस बार चयन प्रक्रिया में बड़ी संख्या में अग्निवीरों के भाग लेने की उम्मीद है। इसके लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर प्रारंभिक चर्चा आज बैठक में हुई। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे। देखते रहिए वीके न्यूज़। नमस्कार।